नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। स्टार डेल्टा, डेल्टा टू स्टार में बदलना या कन्वर्ट करना। तो दोस्तों, पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, अच्छा लगा, अच्छे लाइक्स मिले, अच्छे सब्सक्राइब बढ़े, उसको देखते हुए आपके लिए सबसे छोटा और सबसे सिंपल टॉपिक स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो दोस्तों, आपको पता है स्टार के अंदर जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं उनको अपने सिंगल डिजिट के साथ R1, R2 और R3 के रूप में लिखते हैं, और दोस्तों डेल्टा के अंदर जो अपने रेजिस्टेंस होते हैं उनको R12, R23, R31 के रूप में अपने लिखते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई कभी पूछ ले कि स्टार की जो रेजिस्टेंस है उन्हीं वैल्यूओं के साथ अगर अपने उसको डेल्टा में कन्वर्ट करें तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सिंपल है दोस्तों, बिल्कुल। अगर आपको स्टार की वैल्यू दी है, अगर आपको स्टार में R1, R2 और R3 की वैल्यू दी है, तो दोस्तों घबराने वाली कोई बिल्कुल बात नहीं है। सिंपल सा इसकी फॉर्मूला है, वो जिनको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा अगर देखोगे इतने में आप समझ जाओगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको स्टार की वैल्यू दी है और डेल्टा की वैल्यू पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना। आपको पता होगा कि डेल्टा के अंदर जो वैल्यूएशन होती है उसको अपने R12 से शो करते हैं। तो दोस्तों R12 जो दिया हुआ है अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, R12। तो दोस्तों इसके लिए अपने सबसे पहले R1 की वैल्यू ले लेंगे, उसके बाद में दोस्तों जो 2 दिया हुआ है इसके लिए अपने R2 की वैल्यू ले लेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो R12 है उसको दो भागों में लिख देंगे, R1 प्लस में R2। फिर दोस्तों आगे अपने क्या करेंगे, R1 और जो R2 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, और दोस्तों जो इसकी तीसरी रेजिस्टेंस बचती है R3 उसको कुछ नहीं करना, उसको सिर्फ उसमें भाग देना है। इसी प्रकार दोस्तों अगर अपने R23 की वैल्यू निकालनी हो, तो दोस्तों R23 में से सबसे पहले अपने 2 की वैल्यू लेते हैं, तो दोस्तों R2 प्लस, अब दोस्तों सिंगल डिजिट बात करें अपने, क्योंकि स्टार में सिंगल डिजिट होती है तो अपने सिंगल डिजिट ही लेंगे, तो R3 की वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों अब क्या करना है अपने को, R2 और R3 को गुना करना है, तो दोस्तों R2 R3। अब दोस्तों जो तीसरी डिजिट बचती है इसके अंदर R1 उसको अपने भाग दे देना है। इसी प्रकार दोस्तों अपने डेल्टा के लिए R31 की वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखो R3 और अपने को 1 दिया हुआ है, तो इसके वो अपने क्या करेंगे, सबसे पहले R3 को ले लेंगे, उसके बाद में दोस्तों R3 के बाद में सिंगल दिख रहा है आपको 1, इसको भी अपने अलग लिख देंगे प्लस के अंदर। फिर दोस्तों इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है, मल्टीप्लाई करनी है, तो अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और दोस्तों जो लास्ट में जो बचती है इन दोनों के अलावा रेजिस्टेंस उसको भाग दे देना है। तो दोस्तों अगर अपने को R1, R2 और R3 की वैल्यू दी हो और डेल्टा के मान अपने को निकालने हो, तो कुछ नहीं करना, जो डेल्टा की वैल्यूएशन होती है R12 अपने सिर्फ इतने से ही मान से, यानी कि R12 इसको देख करके ही इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार अपने R12, R23 और R31 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो दोस्तों जब अपने को स्टार की जो वैल्यूएशन है उसके बारे में पता हो तो डेल्टा के मान निकाल सकते हैं। अब दोस्तों सिर्फ इसका ही नहीं, अगर अपने को डेल्टा की वैल्यूएशन दी है अपने को, अगर अपने को डेल्टा के अंदर
अगर दोस्तों डेल्टा में आर वन टू, आर टू थ्री और आर थ्री वन, इनकी वैल्यू जो अपने को दे रखी है और आपको बोल दे कि स्टार की वैल्यू निकालो, स्टार की वैल्यू निकालो, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, अपने आर वन, जो आर वन है तो दोस्तों अपने को पता है कि डेल्टा के अंदर आर वन टू, आर टू थ्री और आर थ्री वन इस रूप के अंदर अपने इसको दर्शाते हैं। तो अगर अपने को दोस्तों स्टार की सिंगल वैल्यू निकालनी है तो दोस्तों जिस दो वैल्यू के अंदर वन वन आता है अपने को वो उठानी है, जैसे आर वन टू गुना में आर थ्री वन, और दोस्तों नीचे जितनी वैल्यूएशन है उनको अपने को कुछ नहीं करना, सिर्फ जोड़ करके ही लिखना है। इसी प्रकार दोस्तों अगर आर टू की वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना, अपने को जो डेल्टा की वैल्यू दी है उसमें इतना ही देखना है कि टू किन किन के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों टू के लिए आर वन टू और आर टू थ्री जो है इसमें दो बार टू आया है तो अपने ये वैल्यू उठा लेंगे। और नीचे आप सभी को पता है दोस्तों कि इनकी जो तीनों वैल्यू है उनको जोड़ करके लिख देंगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आर थ्री की वैल्यू भी अपने निकाल लेंगे। तो आर थ्री के लिए देख लो, जिसमें थ्री है दो ही वैल्यूएशन है अपने पास, आर टू थ्री प्लस में आर थ्री वन बटा आर वन टू प्लस आर टू थ्री प्लस आर थ्री वन। तो दोस्तों अगर अपने को डेल्टा की वैल्यू दी हो और स्टार में अपने को बदलनी हो तो दोस्तों सिंपल से ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते ही आप अपने आप ही इन फॉर्मूलों को लिख सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, अगर डेल्टा की वैल्यू अपने को दी है और अपने को स्टार की वैल्यू निकालनी है तो जिसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, जैसे इसमें आर वन दिया है वन की निकालनी है, तो डेल्टा के अंदर दोस्तों जिनमें वन वन आ रहा है उन दोनों वैल्यू को ऊपर क्या करेंगे, गुना कर देंगे और बाकी इन तीनों रेजिस्टेंस जो है दिए हुए तीनों वैल्यू जो दी है उनको नीचे की तरफ जोड़ देंगे। तो दोस्तों ऐसा करने से आर वन की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार सेम सिस्टम दोस्तों आर टू के लिए अपने, जिसमें आर टू दो बार आया हुआ है वो दोनों वैल्यू लेंगे और गुना कर देंगे और नीचे दोस्तों इन सभी को जोड़ देंगे। इसी प्रकार दोस्तों आर थ्री के लिए सेम प्रोसेस ही रहेगा। और दोस्तों जो स्टार डेल्टा कनेक्शंस वगैरह हुए ये कहाँ पे काम आते हैं, जब कभी भी आपको काफ़ी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको जिनमें ये पता नहीं लगता कि ये सीरीज कनेक्शन के अंदर है या फिर पैरेलल कनेक्शंस के अंदर है, तो दोस्तों उनके अंदर आप स्टार टू डेल्टा में कन्वर्ट करके अच्छी तरीके से उस न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हो। और दोस्तों इनसे क्वेश्चंस कुछ बार डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और दोस्तों अपने बात करें इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स की, तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस प्रकार आते हैं कि दोस्तों स्टार के अंदर सभी रेजिस्टेंस आर ओम के हैं तो डेल्टा में बताओ। तो दोस्तों अपने को स्टार की वैल्यू दे करके डेल्टा की पूछ सकता है और डेल्टा की दे करके स्टार की पूछ सकता है। तो दोस्तों स्टार में अपने को दे दी और डेल्टा में अपने को पूछ ली, तो दोस्तों अब आपको पता होगा डेल्टा के लिए फॉर्मूला क्या था। डेल्टा के लिए मैंने बताया था आर वन टू, तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, अपने वन और टू दिया हुआ है तो दोस्तों आर वन प्लस में आर टू, और प्लस में दोस्तों क्या करेंगे इन दोनों को गुणा करके लिख देंगे। यही था दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला इसका, तो वो फॉर्मूला ही अपने इसमें लगा रहे हैं। अब दोस्तों इसकी वैल्यूएशन अपने क्या है, सभी में आर आर है तो पूरी दोस्तों इन सभी की वैल्यूएशन क्या कर देंगे, अपने आर आर ही कर देंगे।
अब देखो दोस्तों, आर से आर इसका कट गया, तो डेल्टा के अंदर इसकी वैल्यूएशन क्या आ गई अपनी, 3 R आ गई दोस्तों। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिस स्टार के जो जितने भी रेजिस्टेंस हैं, अगर उसको अपन डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे और उनकी वैल्यू अगर सभी की समान है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों डेल्टा के अंदर आपको दिया है और आपको पूछ ले कि उसको स्टार के अंदर कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना, अगर उनकी वैल्यू सेम है तो आप उसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा को स्टार में अगर बदलोगे तो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो 3 गुना कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी आने की चांसेस हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।